इस मूवी के स्टार्ट में हमें ये दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ा जायंट रोबोट स्पेस से आकर अर्थ पर टकरा जाता है और जिसके बारे में एक बच्चे को पता चल जाता है और वो इसको बाहर की दुनिया से छुपा कर रखता है। मगर जल्द ही उस छोटे बच्चे को ये बात रियलाइज हो जाती है कि जिस रोबोट को वो छुपा कर रख रहा है और आम समझ रहा है वो कोई आम रोबोट नहीं है बल्कि वो तो एक बहुत ही पावरफुल रोबोट है। तो मूवी स्टार्ट होती है, मूवी के स्टार्ट में हम एक सेलर को देखते हैं जो समंदर के बीच में फंस गया था और वो कंट्रोल रूम से हेल्प मांग रहा होता है, पर तभी उसकी नज़र एक बहुत ही पावरफुल रोशनी पर पड़ती है। वो रोशनी आसमान से होती हुई सीधा जमीन पर आ जाती है जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और लहर से टकरा कर नीचे गिर जाता है। और जब वो ऊपर देखता है तो उसको एक जायंट सी चीज नजर आती है और वो लहरों से बहता हुआ एक तख्त पर आकर गिर जाता है। अगली सुबह हम सिटी में रहने वाले एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम होगार्थ होता है। वो अपनी मदर के साथ रहा करता था और उसके फादर US मिलिट्री के पायलट थे और उसके फादर की डेथ कोरियन वॉर के दौरान ही हो गई थी। होगार्थ की मदर एक छोटे से रेस्टोरेंट में काम किया करती थी। होगार्थ यहाँ पर एक स्क्वायरल को लेकर आता है। वो इसको अपना पेट बनाकर रखना चाहता था मगर इस बात के लिए उसकी मदर उसे कार कर देती हैं, पर तभी वो स्क्वायरल बॉक्स से निकलकर एक दीन नाम के आदमी की पैंट में चला जाता है। पर तभी वो आदमी अजीब सा बिहेव करने लगता है और वो उसकी पैंट से निकलकर पूरे रेस्टोरेंट में हंगामा मचा देता है। उसी दिन होगार्थ जब अपने घर आता है तो उसकी मदर की कॉल आती है जिसमें उसकी मदर ये बताती है कि वो आज रात थोड़ा सा लेट आएंगी। अब होगार्थ अपने घर में बैठा टीवी देख रहा होता है पर तभी उसके टीवी का सिग्नल ब्रेक होने लगता है। वो अपने टीवी सिग्नल को ठीक करने के लिए एक ट्री पर चढ़ जाता है, पर जब वो वहाँ पर देखता है तो वहाँ पर तो सारी वायर्स ब्रेक हो चुकी थी। इसीलिए अब वो अपनी एक लॉन्ग गन लेता है और इस बात का पता लगाना चाहता है कि आखिर सिटी में हो क्या रहा है, पर वहाँ पर तो उसको कोई भी नजर नहीं आता। मगर तभी अचानक से वहाँ पर एक जॉइंट मेटल रोबोट आ जाता है और उसको देखकर होगार्थ के हाथ में जो गन थी वो नीचे गिर जाती है। वो जॉइंट रोबोट आकर ट्रांसमिशन लाइन को खाने की कोशिश करता है और उस ट्रांसमिशन लाइट को खाने की वजह से रोबोट को जोरदार झटका पड़ता है और तभी पूरे सिटी की लाइट चली जाती है। ये सब देखकर होगार्थ वहाँ से भागने लगता है, पर जब वो रोबोट चिल्ला रहा था तो होगार्थ उसको देखकर रुक जाता है और उसको उस रोबोट पर तरस आ जाता है और अब वो उस लाइन के मेन स्विच को ऑफ कर देता है जिसके बाद वो रोबोट जमीन पर ही गिर जाता है। दूसरी तरफ होगार्थ की मदर जब घर आती है तो वो देखती है होगार्थ घर पर नहीं था। अब जब वो रोबोट बेहोश हो गया था तो होगार्थ उसके पास जाता है और उसको देखने लगता है, पर तभी अचानक से वो रोबोट जाग जाता है और होगार्थ को बहुत ज्यादा डर लगता है। वो वहाँ से भाग जाता है, पर तभी उसकी मदर भी वहाँ पर आ जाती हैं। वो अपनी मदर को बताने की कोशिश करता है कि उसने एक बहुत ही बड़ा जायंट रोबोट देखा है, पर होगार्थ की मदर तो उसकी कोई भी बात को सीरियस नहीं लेती, उसको डांटती है और डांट कर घर ले जाती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं दो आदमी स्ट्रेंज इंसिडेंट की रिपोर्टिंग करते हैं क्योंकि उनके ट्रैक्टर का आधा हिस्सा गायब हो गया था जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे किसी चीज ने खा लिया हो। इसीलिए अब इस बात की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कैंट मेंसली नाम का US ऑफिसर वहां पर आता है। ये ऑफिसर बहुत ही ज्यादा सरियल होता है। वो इंसिडेंट की जगह देखकर इस बात से अंदाजा लगाता है कि ये काम किसी बहुत ही बड़े क्रिएचर का है और वहीं पर सबूत के तौर पर उसको वही गन मिलती है जो कल रात होगार्थ के हाथ से गिर गई थी। लेकिन वो गन अब टूट गई थी और होगार्थ का आधा नाम भी मिट चुका था। सभी एविडेंस को लेकर कैंट जब अपनी कार में बैठता है तो देखता है उसकी कार का तो आधा हिस्सा ही गायब था। अब अगले दिन होगार्थ उसी जंगल में आता है। वो वहाँ पर जायंट रोबोट के लिए मेटल लाया था उसके खाने के लिए और साथ ही वो अपने साथ कैमरा भी ले जाता है ताकि वो उस रोबोट को कैप्चर कर सके। होगार्थ वहाँ पर उस रोबोट का बहुत ज्यादा वेट करता है मगर वो रोबोट तो वहाँ पर आता ही नहीं है। होगार्थ अब बोर हो गया था और वो बोर होते होते सो जाता है और जब होगार्थ अपनी नींद से उठता है तो वो देखता है वो मेटल तो उस जगह पर था ही नहीं जहाँ पर उसने रखा था। और जब वो अपने पीछे देखता है तो उसके पीछे वही जॉइंट रोबोट खड़ा होता है जिसे देखकर होगार्थ तेजी से भागने लगता है और भागते हुए वो एक ट्री से टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है और वो रोबोट उसके पास आता है मगर वो होगार्थ के पास आकर उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता।
पर तभी वो उसी रोबोट के पास वही स्विच बटन को देखता है। इस बात से हुगार्थ को ये पता चल जाता है कि वो रोबोट जानता है कि कल रात हुगार्थ ने ही उसको बचाया था। हुगार्थ उससे बात करने की कोशिश करता है, मगर हुगार्थ की लैंग्वेज तो उस रोबोट को समझ जा ही नहीं रही थी, इसलिए वो उसकी मिमिक्री करने लगता है। इसके बाद हुगार्थ उसको रोबोट को काफी कुछ सिखाता है और वो रोबोट हुगार्थ की बातों को समझने भी लगता है। हुगार्थ अब ये समझता है कि अगर वो इस रोबोट के बारे में किसी को भी कुछ बताएगा तो वो लोग डर जाएंगे और शायद इस रोबोट को मार भी देंगे। हुगार्थ इस बात को सीक्रेट रखने का डिसाइड करता है और वो इस रोबोट को इधर ही जंगल में छुपे रहने का कहता है, पर वो रोबोट तो हुगार्थ के पीछे आ रहा था। हुगार्थ उसको काफी कुछ समझाता है, फिर इसके बाद वो अपने घर चला जाता है। और अब हुगार्थ जब घर जा रहा होता है तो वो देखता है वो रोबोट रेलवे ट्रैक को ही खाने की कोशिश कर रहा था, और उसी वक्त ट्रेन भी वहां से गुजरने वाली होती है। हुगार्थ अब जल्दी से उस रोबोट को कहता है कि वो इस रेलवे ट्रैक को ठीक कर दे, और जब रोबोट ऐसा कर रहा होता है तभी वो ट्रेन से टकरा जाता है और इस तरह उसके मेटल पार्ट्स अलग अलग हो जाते हैं। ये सब देखकर हुगार्थ ये समझता है कि ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है, पर तभी वो देखता है उस रोबोट के पास सेल्फ रिपेयर एबिलिटी थी, वो खुद ही ठीक हो सकता था और इसी वजह से उसके सभी पार्ट्स वापस से जुड़ जाते हैं और वो रोबोट पहले की तरह बन जाता है। दूसरी तरफ केंट मेंसली अपने सीनियर ऑफिसर को ये बता रहा होता है कि उस दिन आसमान से जो चीज गिरी थी वो कोई मेट्रॉइड्स नहीं थी बल्कि कोई और चीज थी, और उसी वक्त उसके ऑफिस में स्ट्रेंज इंसिडेंट की खबर पहुंचती है। वो जल्दी से उस जगह पर देखने के लिए जाता है। वहां पर उसको एक आदमी मिलता है जो उसको बताता है कि उसने एक जॉइंट मेटल रोबोट को देखा था और ट्रेन उसी वक्त उसी जॉइंट रोबोट से टकराई थी। अब ये सब कुछ सुनकर केंट अपने सीनियर ऑफिसर को ये सब कुछ बताने की कोशिश करता है, पर अब उसके पास फोन नहीं था और इसीलिए अब उसको सामने ही पास ही हुगार्थ का घर नजर आता है। वो फोन इस्तेमाल करने के लिए हुगार्थ के घर जाता है। दूसरी तरफ हुगार्थ उसी रोबोट को अपने गैराज में छुपा देता है, जहाँ पर वो रोबोट अभी भी अपने आप को रिपेयर कर रहा था। पर तभी हुगार्थ की मदर घर आ जाती है। हुगार्थ अब उस रोबोट को छोड़ देता है और घर आ जाता है। हुगार्थ जब अपनी मदर के साथ डिनर कर रहा होता है तभी रोबोट का एक हाथ उसके घर में आ जाता है। वो उस हाथ को घर से बाहर निकालने वाला होता है, पर तभी उसके घर में केंट मेंसली ऑफिसर आ जाता है और वो उनसे उनका फोन इस्तेमाल करने की परमिशन मांगता है। जब वो फोन पर अपने सीनियर ऑफिसर को उस रोबोट के बारे में बताता है और वो सबूत ना होने की वजह से केंट पर यकीन नहीं करते और फोन बंद कर देते हैं। इस बात पर केंट को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जब वो घर से बाहर जा रहा होता है तब उसको पता चलता है कि इस बच्चे का नाम हुगार्थ है, और उसे जानने के बाद जब उसकी नज़र गन पर पड़ती है तो वो समझ जाता है कि ये गन उसी बच्चे की है। वो वापस हुगार्थ के घर जाता है और उसे पूछता है कि उस इंसिडेंट वाले दिन तुमने रात को कोई चीज नोटिस की थी। उसके जवाब में हुगार्थ उसको नहीं कहता है और तभी हुगार्थ के ऊपर वाले फ्लोर से अजीब सी आवाजें आने लगती है। हुगार्थ जल्दी से ऊपर आता है, तभी वो उस रोबोट के हाथ को देखता है और वो उस रोबोट के हाथ को जल्दी से विंडो से बाहर फेंक देता है। अब केंट भी उनके घर से जाने लगता है, मगर अभी भी वो हुगार्थ की बातों से पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं हुआ था। आधी रात को हुगार्थ दोबारा से उस रोबोट से मिलने आता है और उसको सुपरमैन की कॉमिक के बारे में बताता है और उसकी अच्छाइयों के बारे में बताता है, पर तभी वहाँ पर रोबोट को भूख लग जाती है। अब आसपास मेटल ना होने की वजह से इसलिए हुगार्थ उसको जंगल में ले जाता है। वहाँ पर उनको एक टूटी फूटी गाड़ी नजर आती है। इससे पहले रोबोट उस गाड़ी को खाता, वहाँ पर डीन नाम का आदमी उस गाड़ी को लेकर चला जाता है। वो एक आर्टिस्ट था और स्क्रैप मटेरियल को खरीदा करता था। ये सब देखकर हुगार्थ उसको डीन वाली जगह पर ले जाता है, जहाँ पर उसने मेटल के पार्ट्स को जमा किया हुआ था। वो रोबोट वहाँ पर आकर बहुत ज्यादा स्क्रैप मटेरियल को खा जाता है, पर तभी एक स्क्रैप कार का हॉर्न जोर जोर से बजने लगता है। उस हॉर्न को बंद करने के लिए रोबोट उस कार को डीन के घर की तरफ ही फेंक देता है। डीन वहाँ पर देखने के लिए जल्दी से बाहर आता है, मगर तभी हुगार्थ उसको डिस्ट्रैक्ट कर उसके घर के अंदर ही चला जाता है। डीन लोगों से उनके वेस्टेज मटेरियल को खरीदा करता था और उस मटेरियल से नई नई चीजें बनाया करता था। डीन हुगार्थ की मदर के रेस्टोरेंट में जाया करता था और साथ ही वो हुगार्थ को बहुत अच्छे तरीके से जानता भी था। अब डीन को बाहर से आवाज आती है। जब वो उस आवाज को चेक करने के लिए जाता है तो वहाँ पर वो एक बहुत बड़े जायंट रोबोट को देख लेता है और उसको अपने लिए एक खतरा समझकर हुगार्थ को वहाँ से लेकर भागने लगता है।
पर हुगार्थ अब डीन को उस रोबोट से इंट्रोड्यूस करवाता है और उसको बताता है और ये यकीन दिलवाता है कि ये रोबोट किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता। अब इसी रात के लिए हुगार्थ डीन से परमिशन मांगता है कि वो रोबोट को आज रात अपने गैराज में रहने दे। पहले तो डीन इनकार करता है मगर हुगार्थ की काफी ज्यादा रिक्वेस्ट के बाद वो मान जाता है। जब हुगार्थ अपने घर जाता है तो सुबह हो चुकी थी। जब वो उठ कर नीचे आता है तो नीचे वो कैंट से मिलता है जिसने हुगार्थ पर नजर रखने के लिए उसी के घर में एक रूम को रेंट पर ले लिया था। अब हुगार्थ को डीन की कॉल आती है क्योंकि सुबह हो चुकी थी और रोबोट उसके पास था। वो कहता है कि आकर अपने रोबोट को ले जाओ पर किंट के आने की वजह से हुगार्थ फोन को कट कर देता है और किंट उस रात के बारे में हुगार्थ से अलग अलग किस्म के क्वेश्चंस करने लगता है। किंट से तंग आकर हुगार्थ घर से बाहर निकल आता है। वो डीन से मिलने जाता है। वहाँ पर वो खूब सारी मस्ती करते हैं। वहीं पर किंट आए दिन अजीब अजीब से फिनोमेना के बारे में सुनता रहता है और अब उसी की इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसको हुगार्थ का कैमरा मिल जाता है। उस कैमरे में किंट को कुछ तस्वीरें मिलती हैं और साथ ही हुगार्थ की वो तस्वीर भी मिलती है जिसमें जायंट रोबोट उसके साथ था। वहीं पर हुगार्थ और रोबोट जब जंगल में फिर रहे होते हैं वहाँ पर उनको एक हिरन नजर आती है। वो उस हिरन को देखने के लिए उसके पास जाते हैं पर जैसे ही वो पास जाते हैं एक शिकारी उस हिरन को शूट कर देता है पर तभी वो हिरन मर जाती है। रोबोट उस हिरन को देखकर बहुत ज्यादा दुखी होता है। हुगार्थ उस रोबोट को समझाता है कि इसमें कोई तुम्हारी गलती नहीं है। हर चीज का अंत होता है और किसी को मारना बुरी बात है मगर कुदरती मौत आना कोई बुरी बात नहीं है। और हुगार्थ ये कहकर अपने घर आ जाता है। उसी रात रोबोट को अजीब अजीब से विजन्स आते हैं और वो तभी नींद से जाग जाता है। वहीं पर कैंट घर में हुगार्थ को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि आज रात तुम्हारी मदर घर लेट आएंगी और मैं तुमसे जो भी पूछूंगा तुम सच सच बताओगे और उसको वही तस्वीर दिखाकर उस रोबोट के बारे में पूछता है मगर हुगार्थ उसको अभी भी कुछ भी नहीं बताता। कैंट उससे कहता है कि अगर तुम आज सच नहीं बोलोगे तो तुम कभी भी अपनी मदर से मिल नहीं पाओगे। हुगार्थ अब डर जाता है और वो रोबोट की लोकेशन बता देता है। अगली सुबह कैंट आर्मी को लेकर उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और डीन से उस मेटल मैन के बारे में पूछता है। डीन जब उसको रोबोट दिखाने के लिए जाता है तो कैंट उसको देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो डीन के एक आर्ट फॉर्म का हिस्सा लग रहा था और किसी को भी देखकर ये शक नहीं होता कि वो असली है। और ये सब देखकर जनरल कैंट पर गुस्सा करने लगते हैं क्योंकि उसके कहने पर ही वो इतनी बड़ी आर्मी को लेकर आए थे और वो अब अपनी आर्मी को लेकर वापस चले जाते हैं। उनके जाने के बाद रोबोट दोबारा से अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और फिर हुगार्थ उस रोबोट के साथ खेलने लगता है। जब खेल ही खेल में हुगार्थ अपनी गन को उस रोबोट की तरफ करता है तो रोबोट अपनी आंखों से कुछ फ्लेयर्स छोड़ता है पर जैसे ही हुगार्थ वो गन हटाता है रोबोट दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। पर डीन इस चीज को देख लेता है। वो दोबारा से रोबोट जब हुगार्थ पर अटैक करने वाला था तो डीन उसको रोक लेता है और उसको बचा लेता है और उस रोबोट को गुस्से से पीछे हटने का कहता है और उसको बुरा भला कहता है और वो रोबोट अब वहाँ से चला जाता है। डीन जब उस गन को देखता है तो उसको ये बात रियलाइज होती है कि उस रोबोट ने तो सिर्फ अपने बचाव के लिए हुगार्थ पर अटैक किया था और अब वो दोनों अपनी बाइक पर उसको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम दो बच्चों को देखते हैं जो खेल रहे थे। वो बच्चे अपनी बिल्डिंग से नीचे गिरने वाले थे पर तभी रोबोट आकर उन दोनों बच्चों को बचा लेता है और उन बच्चों को सेफली लैंड करवा देता है। इसके बाद सभी लोग उस रोबोट को अच्छा समझने लगते हैं पर तभी हुगार्थ और डीन भी वहाँ पर आ जाते हैं। हुगार्थ की मदर भी वहीं पर थी। दूसरी तरफ कैंट ऑफिसर और बाकी सब लोग सिटी से बाहर जा रहे होते हैं तभी उनकी नजर उसी जायंट रोबोट पर पड़ती है और अब वो अपने जनरल को भी बता देता है। ये देखकर वो सभी रोबोट पर अटैक करने लगते हैं। इसीलिए रोबोट हुगार्थ को बचाते हुए वहाँ से भागने लगता है। डीन उन लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि अगर वो गन ना चलाएं तो रोबोट किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा मगर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। दूसरी तरफ वो रोबोट भागने के दौरान ये एक्सप्लोर करता है कि वो उड़ भी सकता है और वो अपने हाथ को लहराते हुए सुपरमैन की तरह ऊपर उड़ने लगता है पर जनरल की आर्मी उसका वहाँ पर भी पीछा नहीं छोड़ती। वो रोबोट को हर तरीके से नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं और वो उनके एक अटैक की वजह से नीचे गिर जाता है।
जब वो नीचे गिरकर देखता है तो हुगार्थ वहाँ पर बेहोश पड़ा था। रोबोट को ये लगता है कि उसकी वजह से हुगार्थ मर गया है और तभी वहाँ पर सभी लोग उस पर अटैक करने लगते हैं। वहाँ पर रोबोट एक्टिव हो जाता है और वो उन पर जवाबी हमले करने लगता है, जिसके बाद कैंट अपने जनरल को एटॉमिक बॉम्ब यूज करने का कहता है और उस रोबोट को डिस्ट्रैक्ट कर सिटी से दूर ले जाकर खत्म करने का कहता है। इसीलिए अब वो रोबोट पर निशाना लगाने का ऑर्डर दे देता है। दूसरी तरफ हुगार्थ को जब होश आता है तो वो उस रोबोट की तरफ जाने लगता है। वो रोबोट उन लोगों पर अटैक करने वाला था, मगर जैसे ही वो हुगार्थ को देखता है वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। हुगार्थ वहाँ पर उससे कहता है कि हमें ये बात साबित करनी होगी कि तुम बहुत अच्छे हो। वहाँ पर दूसरी तरफ कैंट जनरल से कह रहा होता है कि वो मिसाइल लॉन्च करने का ऑर्डर दे, मगर वो जैसे ही रोबोट को नॉर्मल फॉर्म में देखते हैं तो वो ये ऑर्डर नहीं देते, मगर कैंट अब खुद ही ऑर्डर दे देता है। वो मिसाइल उस रोबोट की पहले की लोकेशन को देखकर लॉन्च किया गया होता है, जिसका मतलब ये था कि वो मिसाइल जैसे ही नीचे आएगा ये सब लोग भी मर जाएंगे। इसलिए जनरल अब कैंट पर गुस्सा कर रहे थे और कैंट को जब ये बात पता चलती है तो वो तो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है, पर वो रोबोट उसको रोक लेता है। अब वो रोबोट उस मिसाइल को रोकने के लिए खुद ही उसके पास जाने का डिसाइड करता है और हुगार्थ को समझाता है कि वो उसका पीछा ना करे और वो मिसाइल की तरफ जाने लगता है और वो अपनी मर्जी से उस मिसाइल से टकरा जाता है, जिससे आसमान पर बहुत बड़ा धमाका होता है और जमीन पर सभी सेफली बच जाते हैं और खुशी मनाने लगते हैं। उसके कुछ महीने बाद उस रोबोट की बहादुरी के लिए उस शहर में उसका एक बहुत बड़ा स्टैचू बनाया जाता है। तभी जनरल हुकार्ड के पास एक स्क्रू भेजते हैं। अब जब रात को हुकार्थ सो रहा होता है तो वो स्क्रू खुद ही से जाने लगता है, जिसे देखकर हुकार्थ अपने घर की विंडो खोल देता है। हम लोग देखते हैं उस रोबोट के सभी पार्ट्स दोबारा से आपस में जुड़ रहे थे, जिसका मतलब ये था वो रोबोट दोबारा से अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।